नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेवाड़ी समेत दक्षिण हरियाणा में भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के बाद खराब हुई किसानों की फसल को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल गंभीर दिखाई दी, जिसे लेकर सहकारिता मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों की आपातकाल बैठक बुलाई और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के आकलन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ओलावृष्टि के बाद हुए नुकसान का हवाला देते हुए बताया कि जिला में सरसों की फसल में करीब 45 तो गेहूं की फसल में 55% तक नुकसान हुआ है, फिर भी नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी क्षेत्रों में जाकर तुरंत खेतों में जाकर नुकसान का वास्तविक आकलन करें ताकि किसानों को जल्द राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं विधानसभा में भारी ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल को लेकर स्पेशल गिरदावरी की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी टीम बनाकर गांव में जाकर गिरदावरी करवाएं और किसानों को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करें, किसी भी किसान को नुकसान की भरपाई से वंचित न रखा जाए। वहीं राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने के सवाल पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि ये कोर्ट का फैसला है और कानून अपना काम कर रहा है। बैठक में जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग के अलावा SDM होशियार सिंह और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। से पिछले 7-8 दिन से बारिश और ओलावृष्टि प्रदेश के अंदर हो रही है और कल शाम को रेवाड़ी जिले के अंदर काफी ओलावृष्टि और बारिश भी हुई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हैं और इन सभी को दिशा निर्देश दिए कि भी देखो ये नेचुरल कैलेमिटी है, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सरकार किसानों के साथ खड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा के अंदर ये घोषणा की थी कि भाई सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाएगी और किसान का जो भी नुकसान हो उसकी पूरी भरपाई करेगी, तो उसी दिशा में आज हमने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वो भी अपनी टीम बनाकर और गाँव वालों को पहले ही प्रायर इन्फॉर्मेशन दे के वहाँ जाके और गिरदावरी करें और किसान का एक एक खेत का सर्वे करें और किसान को उनको उचित मुआवजा मिले, इस तरह की व्यवस्था करें। तो हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश, नुकसान की बात करें अभी तक क्या कुछ निकल कर गया अधिकारियों से बातचीत? देखो अभी अधिकारियों ने बताया, लेकिन क्या है कि जो एक्चुअल नुकसान है वो थोड़ी देर में पता लगता है, तो अभी भी जो बता रहे हैं कि सरसों में 40-45% है, गेहूं में 55% के करीब नुकसान है, तो अब जब सर्वे होगी इसका तो उसके बाद देखते हैं कितना परसेंटेज। अभी और खराब मौसम के संकेत मिल रहे हैं। हाँ, हो सकता है, यही तो कह रहा हूँ, जैसे पहले कम हुआ था लेकिन कल वाले बारिश में हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है, तो हो सकता है आगे भी कोई ज्यादा बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तो उसका ध्यान में रखते हुए अभी ये गिरदावरी वगैरह करेंगे और जो भी किसान को नुकसान हो उसका उचित मुआवजा सरकार देगी। एक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है, बवाल मच रहा है, कांग्रेस सड़कों पर है, हाईवे पर काफी सारा। देखो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने जो फैसला किया उसको। ठीक है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।